आज खजुराहो लोकसभा में जो कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से जनता जनार्दन का जो प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद मिला है, तो आभार यात्रा के माध्यम से आज राजनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, मतदाताओं का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी ने हम सब ने मिलकर के किया है। जनता का ही आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि आज देश के अंदर खजुराहो लोकसभा में विजय का इतिहास बनाए। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत की बनी है और 60 साल के बाद आजादी के इतिहास में लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इसलिए आज हमने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और मतदाता भाई और बहनों का भी अभिनंदन किया है। देखिए विपक्ष की अपनी भूमिका है, नीट हो या कोई भी इस प्रकार की चीजें हो, सरकार ने गंभीरता के साथ काम किया है और ऐसे लोग कोई नहीं बचेंगे जो इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व होंगे। ये विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता ना, इसलिए ओवैसी जैसे लोग जो सदन के अंदर शपथ ग्रहण करते समय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसे लोगों की सदस्यता भी समाप्त। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।